अस्सलाम वालेकुम लोगों, अभी मैं जिम से वापस आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो अभी हम 2 eggs के साथ ऑमलेट बनाएंगे। इसको आप स्पेनिश ऑमलेट भी कह सकते हैं। एग्स और पोटैटोज़ के साथ हम इसको बनाएंगे। हमने पोटैटोज़ को इस शक्ल में कट कर लिया था और ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए बनाएंगे और थोड़ा सा दम दे देंगे। जब थोड़े से पक जाएंगे ना, इसके अंदर हम टोमेटोज ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, बनते रहना, साथ ही हम इसके अंदर ये अपने मसाले, जिसमें ये हरा धनिया तो नहीं अभी ऐड करेंगे, कि बाकी चीज़ें नमक मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देखें, अभी ये जिसकी शक्ल में आ गए, ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने एग्स को, इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर हमारी ये जो है धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारे पास है, ये वाली हमारे पास चीज़ है, इसको हम ऐड करेंगे। गाइस, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके ऊपर हमने चीज़ के टुकड़े करके रखी हैं और इसको हम ढक देंगे 2 or 3 minutes। इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोगों ने काली मिर्च ऐड कर दी और ये तकरीबन अब रेडी हो चुका है। ओके जी गाइस, इट्स वेरी यमी एंड डिलीशियस, जरूर ट्राई करें इसको आप। जी लोगों, ये मेरा मजेदार किस्म का ब्रेकफास्ट रेडी है और हम इसे खाने लगी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।